विसर्जन की तैयारी हुई तेज। कलेक्टर एसपी पहुंचे घाट, विसर्जन को लेकर दिए उचित दिशा निर्देश। विसर्जन निपनिया, बड़ी पुल, बिछिया और करैया घाट पर किए जाएंगे। प्रतिमा विसर्जन की तैयारी हुई तेज। कलेक्टर एसपी पहुंचे घाट, विसर्जन को लेकर घाटों पर दिए उचित दिशा निर्देश। विसर्जन निपनिया, बड़ी पुल, बिछिया और करैया घाट में किया जाएगा। हम आपको बता दें, अभी तक रीवा में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम निपनिया, बड़ी पुल और बिछिया में किया जाता था। इस बार एक नए घाट का निर्माण किया गया है करैया में। यहाँ पर घाट बनाया गया है। निकट भविष्य में यहाँ पर इस तरीके से तैयारी की जा रही है कि सारे विसर्जन के जो भी कार्यक्रम होते हैं यहीं पर किए जाएं। एक अलग से टैंक बनाने का भी यहाँ पर प्रशासन का कार्यक्रम है। प्रशासन के दिमाग में पूरी रूपरेखा है, शहर के बाहर हम एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर विसर्जन किया जा सके। विसर्जन के कई कार्यक्रम होते हैं। दशहरे के अलावा गणेश उत्सव में भी विसर्जन किया जाता है। घाट पर अलग से कुंड बनाने का यहाँ पर प्लान किया गया है। रीवा के करैया घाट पर प्रतिमा विसर्जन को लेकर इस समय प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कलेक्टर एसपी ने किया घाटों का निरीक्षण, दिए उचित दिशा निर्देश। शहर के चार घाट में इस साल प्रतिमा विसर्जन का आयोजन किया जाएगा। आप देख रहे हैं, इसको मेंटेन कर दिया गया है, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं बनाई गई है और यहाँ पे वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि सुविधाजनक ढंग से और बिना किसी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए हुए यहाँ पे अच्छे तरीके से विसर्जन हो जाए। सभी विभागों की टीम की ड्यूटी लगा दी गई है। ये जो लाइट्स हैं उसको भी सबको चालू कर दिया गया है। एडिशनल लाइट के अरेंजमेंट्स भी हो रहे हैं, पार्किंग के और जो स्टॉपेज के हिसाब से जो व्यवस्थाएं बनानी है वो सारी बन रही है। टीम की ड्यूटीज लग गई है, रेवेन्यू की, नगर निगम की और पुलिस की। और चूंकि शहर से थोड़ा सा बाहर है तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर के लिए भी बड़ा अच्छा होगा और ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से भी समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो इसका फ्यूचर में डेवलपमेंट हो उसमें मूर्तियों के विसर्जन से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी हो, पार्किंग की व्यवस्था करनी है, उसको भी पूरे प्लान में इंटीग्रेट करेंगे। अभी इस साल के अनुभव से हम लोगों को जो जो इश्यूज समझ में आएंगे, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो इसमें हम लोग उसको इंसर्ट भी करेंगे, ताकि भविष्य में भी चाहे वो गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो या माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का या विसर्जन हो, सुविधाजनक ढंग से समारोह पूर्वक और बिना असुविधा के हो जाए।